हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज की इस वीडियो में जो है हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की एक और इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम जिसका नाम है लोकली वेटेड रिग्रेशन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे सो so स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन की लोकली वेटेड रिग्रेशन है क्या तो हमारी लोकली वेटेड रिग्रेशन जो है एक नॉन पैरामेट्रिक रिग्रेशन एल्गोरिदम है जिसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स तो जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसके अंदर हम रिग्रेशन का यूज करने वाले हैं बेसिकली हम फ्यूचर में कुछ वैल्यूज को प्रिडिक्ट कराने वाले हैं और यहाँ पे एक टर्म है नॉन पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम्स जो भी होती हैं वो होती हैं हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग वाली जहाँ पे जो है हम डेटा पे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं हम डेटा के ऊपर वहाँ पे डिपेंड करते हैं जहाँ पे हमें मॉडल क्रिएट करना होता है बट यहाँ पे हम क्या करते हैं हम इंस्टेंस बेस्ड टेक्निक का यूज़ करते हैं यानी कि प्रोडिक्शन के टाइम पर हम हमारे स्टोर्ड डेटा का यूज़ करेंगे तो ये जो हमारी रिग्रेशन है ये बेसिकली जो हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उससे रिलेटेड है अब इसके अंदर क्या होता है जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसकी जो लाइन होती है यानी कि जो रिग्रेशन लाइन हम जनरेट करते हैं उसको जो है फिट करते हैं यानी उस लाइन को जो है ये हमारी एल्गोरिथम जनरेट करती है बाय गिविंग मोर वेट टू द नियर बाय डेटा पॉइंट्स यानी कि जो हमारे उस लाइन के सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस लाइन को जनरेट करेगी अब आपको एक चीज़ याद होगी जो हमने लीनियर रिग्रेशन डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वहां पे हमारा डेटा क्या होता था लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था बट अगर हमारा डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यानी कि हमारा डेटा अगर वहां पे नॉन लीनियर है तो आप कैसे लाइन को जनरेट करेंगे ये चीज़ हमने वहां पे डिस्कस नहीं की थी क्यों बिकॉज वो जो हमारा पोर्शन था रिग्रेशन की बेसिक एल्बोरिदम्स का वो था हमारा मॉडल बेस्ड लर्निंग के अंदर और ये जो हमारी एल्गोरिदम है लोकल वेटेड रिग्रेशन एल डब्ल्यू आर ये आती है हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर तो अगर डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आपको रिग्रेशन का यूज़ करना है तो तब क्या आप एल्गोरिदम की हेल्प से प्रिडिक्शन करा सकते हैं जी हाँ हम प्रिडिक्शन करा सकते हैं और रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम जिसका नाम है लोकली वेटेड रिग्रेशन अब एल डब्ल्यू आर काम किस तरीके से करता है तो एल डब्ल्यू आर क्या करता है हमारे वेट्स वेट्स क्या होता है वैल्यूज़ होती हैं यानी कि कितना वो लाइन के नियर है उसको हम वेट बोलते हैं जितना वो लाइन के नियर होगा हमारा डेटा पॉइंट उसको हम क्या करेंगे एक हाई वेट वैल्यू असाइन कर देंगे और जितना दूर होगा जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा रिग्रेशन लाइन से उतना वेट जो है वो कम होता चला जाएगा अब जितना क्लोज़र होगा हमारा नॉन पॉइंट अननोन पॉइंट के उतना हाइयर वेट वैल्यू जो है उसे असाइन हो जाएगी तो अभी जो मैंने बात की नॉन पॉइंट की जो कि क्लोजर होगा अननोन पॉइंट के नॉन पॉइंट्स कौन से होंगे जो हमारे ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट किया उन्हें हम बोलेंगे नॉन पॉइंट्स और अननोन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जिनका हमें मशीन से कुछ प्रोडिक्शन कराना है यानी कि अब हम क्या करेंगे मशीन को एक इनपुट देंगे और मशीन इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक का यूज़ करके हमें कुछ आउटपुट देगी बट कैसे सबसे पहला स्टेप होता है इनपुट का इसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली हम इनपुट देते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट का हमारी मशीन को जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं फीचर्स होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग हमारी आउटपुट वैल्यू होती है जिसे हम टारगेट बोलते हैं और साथ के साथ एक चीज़ हमें और इनपुट देनी है जिसका नाम है क्वेरी इंस्टेंस क्वेरी इंस्टेंस का मतलब है यहाँ पे हमें हमारी इनपुट वैल्यू जनरेट करके देनी है जिससे हमें प्रोडिक्शन करानी है तो वो यहाँ पे हमारा होगा क्वेरी इंस्टेंस तो आपको इस टर्म को ध्यान में रखना है सेकेंड चीज़ हम क्या करेंगे वेट को कैलकुलेट करेंगे अब देखिए हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है और हमने प्रडिक्शन की वैल्यू भी दे दी है यानी कि जिस डेटा का हमें प्रोडिक्शन चाहिए अननोन पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं तो जब दोनों चीज़ हमने मशीन को दे दी तो मशीन क्या करेगी वेट कैलकुलेट करेगी अब वो वेट कैसे कैलकुलेट करेगी वो वेट इस तरीके से कैलकुलेट करेगी जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट था उसके पॉइंट्स को प्लॉट कर देगी और जैसे ही वो पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे फिर जो हमारा अननोन पॉइंट है जिसकी हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करानी है मशीन से उसको भी प्लॉट कर देगी अब उसके नियर बाय जितने भी पॉइंट्स होंगे जैसे हम के एन एन के अंदर क्या करते थे के की वैल्यू की हेल्प से नियरेस्ट नेबर को फाइंड आउट करते थे तो उस तरीके से उसके नियर बाय जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको जो है वो वेट असाइन करेगी और वेट कुछ इस तरीके असाइन होता है कि जितना पास हमारी अननोन पॉइंट के दूसरे डेटा पॉइंट्स होंगे उतना हाई वेट वैल्यू होगी और जितना दूर होंगे उतना लो वेट वैल्यू होगी और इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए वेट को कैलकुलेट करने के लिए जो हम गोशियन कर्नल का यूज़ करते हैं अब गोशन कर्नल क्या होता है ये हम हमारी प्रीवियस वीडियोज़ डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पे आइडिया के लिए बताया था ये आपका बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि आपको वेट कैलकुलेट करके देगा इस तरीके से वेट कैलकुलेट होने के बाद अब लोकल रिग्रेशन का प्रोसेस जो है यूज़ होता है अब लोकल रिग्रेशन में क्या होगा जो भी हमने अभी वेट्स असाइन किए हैं मॉडल को उसके बेस पे जो है हमारा मॉडल ट्रेनिंग इंस्टेंसेस के साथ साथ और जो हमारी वैल्यू का हमें आउटपुट चाहिए अननोन पॉइंट्स के साथ जो है हमारे मॉडल को फिट कर देता है यानी कि उन लाइंस को जनरेट कर देता है तो जैसे ही हमारी रिग्रेशन लाइन जनरेट हो जाएगी हम क्या करेंगे उस लोकल रिग्रेशन मॉडल जिसने लाइन को जनरेट किया है उसकी हेल्प से हमारा क्वेरी इंस्टेंस जो है यानी कि जो हमने इनपुट दिया है जिसका हमें आउटपुट चाहिए मशीन से यानी कि टेस्टिंग वेरिएबल जो है जिसकी हमें आउटपुट चाहिए उसका जो है हम प्रिडिक्शन करा लेंगे बिकॉज अब हमारे पास क्या है एक रिग्रेशन मॉडल है एक रिग्रेशन लाइन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उस क्वेरी इंस्टेंस का आउटपुट निकाल सकते हैं तो ये देखिए ये जो हमारा डेटा है आपकी स्क्रीन पे, इन तीनों के अंदर क्या है कोई भी डेटा लीनियरली हमारा नहीं है सारा डेटा हमारा नॉन लीनियर है तो देखिए जो हमारी फर्स्ट इमेज है इसके अंदर क्या होगा कुछ इस तरीके से हमारी एक शेप बनती जा रही है जिसके अंदर हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो कुछ इस तरीके से एक लाइन को जनरेट कर रहा है तो अब देखिए ये चीज़ लीनियर डेटा पे पॉसिबल नहीं थी वहाँ पे क्या होता हमारे एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ जाती बट वो लाइन क्या करती है बट वो लाइन जो है हमारी पर्टिकुलरली सही एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देगी तो उस मोमेंट पे हम क्या करेंगे एल डब्ल्यू आर लोकली वेटेड रिग्रेशन का यूज़ करेंगे और आप देखेंगे ये जो मैंने अभी ब्लू कलर से लाइन जनरेट की है ये वाली इन सभी के अंदर क्या है हमारा लोकल वेट असाइन है अब आप देखेंगे जितने भी डेटा पॉइंट्स नियर बाय होंगे उसके अकॉर्डिंग ये लाइन जनरेट हुई है इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में भी क्या है एक नॉर्मल आपकी इस तरीके से यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा का रिग्रेशन मॉडल जनरेट हुआ है जिसकी हेल्प से अब आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं सेम चीज़ आपके थर्ड वाले यहाँ पर इमेज के अंदर है तो इस तरीके से अगर आपका डेटा लीनियर है तो आप नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स का यूज़ कर सकते हैं बट अगर आपका डेटा नॉन लीनियर है तो आपको वहाँ पे लोकली वेटेड रिग्रेशन एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ेगा जो कि काम करती है वेट फंक्शन पे। थैंक यू